हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। आज हम पढ़ते हैं हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जो हमारा टॉपिक हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं। उन ऑप्टिकल फाइबर में से एक टॉपिक था टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, हमारे ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली हमारे दो टाइप से हमारे क्लासीफाइड किए जाते हैं, या अगर हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन मटेरियल, तो बेस्ड ऑन मटेरियल हमारे होते हैं एक प्लास्टिक मेड फाइबर एंड ग्लास मेड फाइबर। जो प्लास्टिक मेड फाइबर होते हैं वो प्लास्टिक के बने रहते हैं, पर प्लास्टिक कौन सा होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल मैंने पहले मेरे वीडियो में दिया है कि पॉली मिथाइल मेथा एक्रिलेट, एक तो PMMA हो गया, या पॉली स्टाइरिन हो गया, या पॉली इथाइलिन हो गया। तो ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हैं, ग्लास की तरह ही दिखते हैं, बिल्कुल बहुत फ्लेक्सिबल है, तो हम चाहें तो इनका भी बना सकते हैं। दूसरा होता है हमारा ग्लास मटेरियल वाला। तो ग्लास वाले में तो हमारा जो सिलिका ग्लास है जो हम यूज करते हैं, तो हम या तो हम मटेरियल बेस्ड क्लासिफाई कर सकते हैं, या दूसरा हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट मेरा बेसिकली है कि जब हम ऑप्टिकल फाइबर को बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। और बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम दो तरह से करते हैं, जो एक का नाम है हमारा स्टेप इंडेक्स फाइबर और दूसरा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इन दोनों में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस है, इनमें बेसिकली है पाँच डिफरेंस। तो पाँच डिफरेंस कौन कौन से हैं, तो हम एक एक डिफरेंस को अभी करते हैं। ये देखो, ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर है। तो ऑप्टिकल फाइबर है तो जो मेरी ऑप्टिकल फाइबर में क्या है कि ये वाला मेरा पोर्शन क्या हो गया, क्लैडिंग, और ये वाला मेरा अंदर वाला क्या है, कोर। जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में पहले भी क्लियर कर दिया है कि जो तो हमारे जो कोर है, कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारी η1, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स η1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मेरी η2। जो हमारे बात करते हैं स्टेप इंडेक्स में और ग्रेडेड इंडेक्स में, ये डिफरेंस क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर की बात कर रहा हूँ, ये मेरी क्या है एक्सिस, क्या है ऑप्टिकल फाइबर की जो एक्सिस है, और ये हमारा डिस्टेंस है r, r इसका क्या है रेडियस, किसका, ऑप्टिकल फाइबर का रेडियस मेरा r है, ये मेरी एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। जो एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है इसके थ्रू आउट द, हम बात करते हैं थ्रू आउट द कोर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्टेप इंडेक्स फाइबर थ्रू आउट द कोर इज यूनिफॉर्म। क्या है, स्टेप इंडेक्स की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर के अंदर पूरे थ्रू आउट, मतलब कि क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे भी चेक करूं, या मैं इस पॉइंट पे चेक करूं, कहीं भी मैं चेक करूं, तो जो मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है η1। मतलब कि हम ये कह सकते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर के अंदर यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। और उसके बाद क्या होता है, यूनिफॉर्म कोर के अंदर तो यूनिफॉर्म है, पर जैसे ही कोर क्लैडिंग की बाउंड्री आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोर क्लैडिंग का इंटरफेस, जो कोर क्लैडिंग की इंटरफेस पर, यहाँ ध्यान देना क्या है, कोर क्लैडिंग की इंटरफेस, कोर क्लैडिंग का जो इंटरफेस है यहाँ से एब्रप्टली चेंज होती है। एब्रप्टली चेंज होती है कैसे होती है, वैसे भी हमने पहले भी बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर क्या है ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग है, तो यहाँ पे हमारी चेंज हो रही है ना। ये माना कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1.5 है, तो 1.5 से और यहाँ पे हमारी 1.4 एग्जैक्टली हमारी यहाँ पे एब्रप्टली चेंज हुई। तो इसको देखो, हम रेडियस और नीटा की फॉर्म में किस तरह से बना सकते हैं। ये माना कि मेरा नीटा है, तो नीटा की वैल्यू हम मान लें कि ये मेरी η1 है, η1 है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया 1.5 की वैल्यू, ये है मेरी η1। तो η1 इसके अंदर थ्रू आउट द रेडियस, मतलब कि रेडियस के अंदर हम, यहाँ तक हमारा रेडियस ये आर है, तो इस रेडियस तक हम ये मान लेते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। देखो मैंने यूनिफॉर्म बनाया है, यहाँ पर मेरी सिर्फ आर की वैल्यू चेंज हो रही है, ना कि नीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। ये मेरा नीटा वाली लाइन है, ये मेरी आर वाली लाइन है, तो इसमें देखो मेरी क्या है, आर की वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है। पर जैसे ही हम कोर क्लैडिंग की बाउंड्री पर पहुँच जाते हैं, कोर क्लैडिंग की बाउंड्री पर पहुंचते ही क्या होता है, मेरी नीटा की वैल्यू में एब्रप्टली चेंज होता है, और एब्रप्टली क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज हो रही है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मेरी क्या कम है। तो देखो मैंने इसको, ये मेरी नीटा की वैल्यू है, इसको मैंने क्या करा, डिक्रीज किया, और डिक्रीज करने के बाद फिर क्लैडिंग में भी वो यूनिफॉर्म रहती है। तो इस तरह से हमारा, अगर हम कहें नीटा और रेडियस की फॉर्म में हमारा ये डायग्राम बनता है स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए। इसमें अगर तुम गौर से देख रहे हो, देखो ये मेरी नीटा की वैल्यू है, ये मेरी रेडियस की वैल्यू है, किसकी, नीटा की वैल्यू है, ये मेरी रेडियस की वैल्यू है, और रेडियस की वैल्यू में मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में। तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या होता है मेरा, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है ना वो वेरी करती है ग्रेजुअली,
मतलब धीरे धीरे डिक्रेज करती है, और धीरे धीरे डिक्रीज करती है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो मेरी एक्सेज है ऑप्टिकल फाइबर की, क्या है एक्सेज है ऑप्टिकल फाइबर की, यहाँ तो मेरी ऑप्टिकल फाइबर की जो एक्सेज है इस जगह, तो मेरी नीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर सेंटर पर क्या है, मैक्सिमम है। इसके बाद जैसे जैसे मैं रेडियस यहाँ से इधर क्लैडिंग की तरफ बढ़ता हूँ, तो जो मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम नहीं है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ग्रेजुअली। कहाँ तक, कोर क्लैडिंग की बाउंड्री पर। और कोर क्लैडिंग की बाउंड्री पर जैसी डिक्रीज होके जाती है, तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू नीटा टू की वैल्यू मेरी कम है, तो हमारी हम ये कह सकते हैं वो नियरली डिक्रीज होते होते इस तरह से डिक्रीज होती है कि इस वाले कोर क्लैडिंग की बाउंड्री पर लगभग बराबर सही होता, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो पाता। पर यहाँ पे हमारा एब्रप्टली चेंज हो रही थी, पर यहाँ पे हमारी एब्रप्टली चेंज नहीं हो रही, धीरे धीरे चेंज होते हुए जा रही है मैक्सिमम का। तो देखो हम बात करें वापस से, तो ये मेरा नीटा है, ये मेरा रेडियस है, तो हम इसमें अगर बात करते हैं तो देखो ये मेरी नीटा वन की वैल्यू है, तो नीटा वन की वैल्यू जो मेरी है वो क्या है कि धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। तो कैसे हो रही है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज होके कितनी होगी, नीटा टू के बराबर होगी। ये मेरी नीटा टू है जिसकी वैल्यू हम ये कह सकते हैं थोड़ी कम है, और उसके बाद हमारी क्लैडिंग के अंदर तो हमारी यूनिफॉर्म है ही, तो इसका हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस के टर्म्स में हमारा ये डायग्राम बनेगा, जो कि हम इसके लिए कह सकते हैं, किसके लिए, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लिए। अब एक टॉपिक तो ये हो गया हमारा, एक पॉइंट तो ये हो गया कि जो स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर, स्टैक इंडेक्स फाइबर के अंदर हमारी यूनिफॉर्म रहती है कोर के अंदर, बट ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म नहीं होती, ग्रेजुअली डिक्रेज होती। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जब लाइट हमारी किसके अंदर ट्रेवल करती है, स्टेप इंडेक्स के अंदर ट्रेवल करती है, माना कि ये मेरी एलईडी है जिसको हम कह सकते हैं लाइट सोर्स है, जब ये लाइट सोर्स है मेरी, इसमें अगर ट्रेवल करती है तो वो कैसी होती है कि ये होती है हमारी जिग जैग मैनर में, मतलब कि ऐसे लाइट गई, ये रिफ्लेक्टेड हुई टोटल इंटरनल से, ये हो गई, माना कि एक रे मेरी इस तरह से गई, ये गई इस तरह से, तीसरी मेरी यहाँ से भी गई, तो भी मेरी किस तरह से। तो ये देखो डायग्राम को अगर आप गौर से देख पा रहे हो, तो ये जो हमारी लाइट रे एलईडी से, लाइट सोर्स से, अगर मैं स्टेप इंडेक्स फाइबर मैं मल्टी मोड में डालता हूँ, मतलब मल्टी मोड में मैं अगर लाइट को प्रोपोगेट करता हूँ, तो जो मेरी लाइट है वो किस में, जिग जैग मैनर में प्रोपोगेट हो रही है, किस में हो रही है, जिग जैग मैनर में प्रोपोगेट हो रही है। बट अगर मैं बात करता हूँ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर, देखो हमारी लाइट डालते हैं हम एलईडी से, तो क्या होगा, ये हमारा लाइट सोर्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारी एलईडी लाइट सोर्स होता है, तो लाइट सोर्स से जब जैसे ही मैं करता हूँ, तो मेरी देखो कि इसमें जिग जैग मैनर में नहीं होती, इसमें जाती है मेरी हेलिकल मैनर में, क्यों, क्योंकि जो मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ ऑलरेडी पहले से ही डिफरेंट है, हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्म नहीं है, तो जिसके कारण मेरी जब लाइट ट्रेवल करेगी तो वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करेगी। अगर मैं दूसरी माना कि ये यहाँ से गई, तो भी ये इस पॉइंट पर सभी मिलेंगी, बट ये इस तरह से हमारी लाइट ट्रेवल करेगी, मतलब जो लाइट है वो हमारी हेलिकल इन नेचर है। और बात करें हम इनके डायमीटर की, तो डायमीटर जो हमारा स्टेप इंडेक्स फाइबर का जो डायमीटर है वो मल्टी मोड के लिए होता है 50 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर, और अगर हम कहें सिंगल मोड के लिए, तो ये हो गया मेरा सिंगल मोड के लिए, सिंगल मोड के लिए 10 माइक्रोमीटर होता है, और इसके लिए मल्टी मोड के लिए होता है मेरा, मल्टी मोड के लिए होता है 50 माइक्रो से 200। इसका जो होता है हमारा, ये मल्टी मोड ही होती है इसमें, तो ये होता है हमारी मल्टी मोड के लिए 50 माइक्रोमीटर। तो हमने तीन पॉइंट हो गए, एक इन दोनों का हमने डायमीटर डिस्कस कर लिया, एक हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर ली, एक हमारी जो लाइट है किस तरह से वो हो रही है, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो हमारा फाइबर है स्टेप इंडेक्स फाइबर है उसकी क्या है, जो बैंडविड्थ है वो लोअर होती है, स्टेप इंडेक्स फाइबर की बैंडविड्थ क्या होती है, लोअर। तो हम ये कह सकते हैं बैंडविड्थ ऑफ स्टेप इंडेक्स विल बी लेस देन बैंडविड्थ ऑफ ग्रेडेड इंडेक्स। तो ग्रेडेड इंडेक्स की बजाय हमारी इसकी जो होती है बैंडविड्थ कम होती है,
और एटुनेशन भी है। एटुनेशन हमारा स्टेप इंडेक्स फाइबर में ज़्यादा होता है बजाय हमारे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में। बात कर रहे हैं एटुनेशन, एटुनेशन एक तरह से लॉसेस, तो लॉसेस हमारे स्टेप इंडेक्स फाइबर में ज़्यादा होते हैं बजाय ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स थे जो इन दोनों के लिए बेसिकली डिफरेंस थे, जो हमने ऑलरेडी कवरअप कर दिया है। इसके बाद अगर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे, और भी कुछ हमारे हैं एटुनेशन इन ऑप्टिकल फाइबर, डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर, ये सारे के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।